कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा वाले दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है। यदि आपका घर छोटा है, यदि आप किराए के मकान पर रह रहे हैं और अपना मकान बनाने की सोच रहे हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनना चाहिए और यह मकान अवश्य बनाना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा वाले दिन जो व्यक्ति यह मकान बनाता है तो उसकी मकान बनाने की मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है, यानी भगवान उसके लिए मकान बनाने के लिए नए नए रास्ते खोल देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चिड़ाचिड़ी का घर बनाने के लिए हमें चाहिए होगा गुथा हुआ आटा, जिससे हम चिड़ाचिड़ी बनाएंगे। ये आटा आप गेहूं का या फिर मक्के बाजरे का या फिर मैदा भी ले सकते हैं। साथ ही हमें चाहिए होंगे 5 दीपक, 1 धूपबत्ती और हमें चाहिए होंगी 2 कैंडल्स। ये कैंडल आप 5 या 7 भी ले सकते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए होगी मौली, रोली, चंदन और अक्षत, जिससे हम चिड़ाचिड़ी की पूजा करेंगे। अब हमें लेने हैं खिचड़ी। इस दिन खिचड़ी दान करने का भी विशेष महत्व है। ये खिचड़ी आपको काली यानी उड़द की दाल की ही दान करनी होती है। अब हमें लेने हैं कुछ चावल, जिससे हम चिड़ाचिड़ी का घर बनाएंगे। यदि आपके पास चावल ना हो तो आप ये चिड़ाचिड़ी का घर गेहूं के आटे से, मक्का, बाजरा, किसी भी आटे से बना सकते हैं। अब हमें भोग के लिए कुछ खील बतासे लेने हैं, साथ ही हमें कुछ पैसे लेने हैं। मैंने ये नोट लिए हैं, आप कुछ सिक्के भी पैसों के रूप में ले सकते हैं। 1 का, 2 का या फिर 5 का सिक्का भी आप पूजा के लिए ले सकते हैं। अब हम पूजा के लिए लेंगे 1 जल का कलश, दीपक चलाने के लिए माचिस और कुछ फूल। ये फूल आप कोई भी ले सकते हैं। जिस जगह हम चिड़ाचिड़ी का घर बनाएंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। मैंने ये गेरू से लेपा है, आप गाय के गोबर से या फिर हल्दी से भी जमीन को लेप सकते हैं। चिड़ाचिड़ी का ये घर आप अपने घर के आंगन में, अपने घर के मंदिर में या फिर आप अपने घर के किचन में भी बना सकते हैं। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि चिड़ाचिड़ी का ये घर आपको जमीन पर ही बनाना है, किसी पटले पर या चौकी पर नहीं बनाना है। ये चिड़ाचिड़ी का घर वो लोग तो बना ही सकते हैं जिन्होंने पूरे कार्तिक मास का स्नान किया है। इसके अलावा जिन लोगों ने कार्तिक मास का स्नान नहीं किया है वो लोग भी इस घर को बना सकते हैं। मान्यता ऐसी है कि जब हम चावल से चिड़ाचिड़ी का घर बनाते हैं तो हमारा घर पत्थर का यानी संगमरमर का बनता है। यदि हम आटे से अपना घर बनाते हैं तो हमारा घर ईंटों का बनता है। घर बनाने के लिए पहले हम घर के चारों ओर बाउंड्री बना लेंगे चावल से या फिर आटे से, और किसी स्केल की सहायता से इसे हम एक सा कर लेंगे। यदि आपसे मकान बनाते हुए कोई गलती हो जाए तो आप उसे हटा करके दोबारा से भी बना सकते हैं। चिड़ाचिड़ी का ये घर बनाने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि जब तक आप ये पूजा ना कर ले तब तक आप कुछ खाए ना। आप चाय या फिर दूध ले सकते हैं। ये घर आप सुबह के समय भी बना सकते हैं, और यदि आपके पास सुबह के समय टाइम ना हो तो आप ये घर शाम के समय भी बना सकते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि आप प्याज, लहसुन वगैरह कुछ ना खाएं, केवल आप सात्विक भोजन ही करें। इस तरह से हम मकान की बाउंड्री बना करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद आपको अपने मकान में जितने कमरे चाहिए, किचन, बरामदा चाहिए, आप उस हिसाब से इस चिड़ाचिड़ी के घर का डिजाइन बना लीजिएगा। आप जितने भी कमरे बनाए या फिर किचन बनाए उनमें दरवाजे अवश्य खुले रखिएगा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है कि उसका अपना खुद का मकान हो। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उनका कार्तिक स्नान तभी पूरा होता है जब वह कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा वाले दिन चिड़ाचिड़ी की कहानी सुनते हैं। जिन लोगों ने कार्तिक स्नान किया है उनको तो यह कहानी सुननी ही होती है, परंतु जिन्होंने कार्तिक स्नान नहीं किया है वह भी मकान बनाने की इच्छा से इस कहानी को सुन सकते हैं। चिड़ाचिड़ी का ये मकान बनाते हुए आपको मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम चिड़ाचिड़ी का ये घर बना रहे हैं, आपके आशीर्वाद से हमारा भी घर जल्दी से बन जाए और हम अपने घर में रहें। अब हम गुथा हुआ बिना नमक का आटा लेंगे, जिससे हम चिड़ाचिड़ी की आकृति बनाएंगे। चिड़ा को थोड़ा बड़ा बनाया जाता है और चिड़ी को थोड़ा पतला सा और छोटा बनाया जाता है। इसमें आपको विशेष कलाकारी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल चिड़ाचिड़ी की आकृति बना लें। इस तरह से हमने चिड़ा और चिड़ी दोनों बना ली हैं। अब हम फूलों का या फिर अक्षत का आसन देते हुए घर में चिड़ा और चिड़ी को पराजित कर देंगे। अब हम चिड़ा और चिड़ी का पूजन करेंगे रोली से और चंदन से। अच्छा चढ़ाएंगे और हमने जो खील बतासे लिए हैं उनका भोग लगा देंगे। आप चिड़ाचिड़ी को मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं और हम जल भी पिला देंगे।
अब हमने जितने भी कमरे बनाए हैं उन सभी कमरों में हम घी के दिए लगा देंगे। आप तिल के तेल के दिया भी लगा सकते हैं। यदि आपके पास सामर्थ्य ना हो तो आप कैंडल्स भी इन कमरों में लगा सकते हैं। यदि आपने घर में ज्यादा कमरे बनाए हैं तो आपको ज्यादा दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमने चिड़ाचिड़ी को वस्त्रों की मौली भी अर्पित कर दी है। अब हम सभी दीपक को प्रज्वलित कर देंगे ताकि हमारा घर सुख समृद्धि और सद्बुद्धि के प्रकाश से प्रकाशित होता रहे। इसके बाद हम चिड़ाचिड़ी को धूप दीप दिखा करके पूजन कर देंगे और हमने जो खील बतासे लिए हैं सभी कमरों में हम खील और बतासे भी रख देंगे ताकि हमारा घर धन धान से परिपूर्ण रहे। घर को प्रकाशित रखने से घर में पॉजिटिव एनर्जी तो आती ही है, साथ ही घर का वातावरण भी शुद्ध और प्रेम भरा बना रहता है। मान्यता ऐसी भी है जब हम किसी का घरौंदा बनाते हैं तो हमारा भी घरौंदा भगवान बनाते हैं और जब हम किसी का घरौंदा तोड़ते हैं तो किसी न किसी कारणवश हमारा भी घर अवश्य टूट जाता है। अब हम दो कैंडल लेंगे जिससे हम घर के मेन गेट को रोशन करेंगे। आप मेन गेट पर दो दीपक भी चला सकते हैं। मैंने कैंडल्स चलाई हैं। जिस भी घर का मेन डोर रोशन रहता है उस घर पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। अब हमने जो खिचड़ी दी है उसका भोग हम चिड़ाचिड़ी को लगा देंगे। आप चाहें तो इस खिचड़ी को पकाकर भी चिड़ाचिड़ी का भोग लगा सकते हैं। वैसे भी कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा वाले दिन लड्डू गोपाल को विष्णु भगवान को खिचड़ी अचार का या फिर कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। अब हम सभी कमरों में थोड़ी थोड़ी दक्षिणा अवश्य रखेंगे ताकि हमारा घर धन धान से परिपूर्ण रहे। और हमने जो पुष्प लिए हैं उन पुष्प से भी हम अपने घर को महका देंगे। जिस तरह से हम अपने घर को सजाते हैं आप बिल्कुल उसी भावना से इस घर को भी सजाइएगा। और हाथ में हम थोड़ी सी खिचड़ी, खील बतासे और कुछ पुष्प लेकर के चिड़ाचिड़ी की कहानी सुनाएंगे। चिड़ाचिड़ी की कहानी इस प्रकार से है। एक बार की बात है, चार चिड़ियां थीं। वह चारों ही कार्तिक का स्नान करती थीं। पड़वा प्रतिपदा वाले दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उस चिड़िया ने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली तो चौथी चिड़िया ने खिचड़ी की कुर्चन खा ली। खाने के बाद चारों मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई थी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुमार के घर में पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर में जन्म लेती है और जिस चिड़िया ने कुर्चन खाई थी वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने इसका कारण पूछा। तो राजकुमारी ने बताया कि मैं अपने साथ इस हथनी को भी ले जाऊंगी, लेकिन हथनी जाने के लिए नहीं उठी। तब राजकुमारी ने उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह दी, जिसे सुनकर हथनी उठ गई। राजा यह सब देखकर दंग रह गया और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता तूने इसके कान में क्या कहा, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। तो रानी ने राजा को अपने पिछले जन्म की सभी बातें सच सच बतला दी। तब राजा बोला यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम सभी जोड़ों के साथ कार्तिक स्नान करके दान पुण्य करेंगे। इस प्रकार से राजा ने जोड़े के साथ खूब कार्तिक स्नान किया और अंत में इस लोक के सभी सुखों को भोग कर वह वैकुंठ धाम को गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे विष्णु भगवान, हे ठाकुर जी, जैसे आपने राजा रानी को वैकुंठ धाम दिया से ही हम सबको वैकुंठ धाम देना। अंत में हम भगवान के हाथ जोड़कर अपना मकान बनाने के लिए उनसे विशेष प्रार्थना करेंगे, साथ ही हमसे जो भी गलती हुई हो पूजा में उसके लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने ये चिड़ाचिड़ी का घर सुबह के टाइम में बनाना है तो आप इस चिड़ाचिड़ी के घर का विसर्जन शाम के समय कर सकते हैं। यदि आपने शाम के समय यह चिड़ाचिड़ी का घर बनाया है तो आपको अगले दिन इस चिड़ाचिड़ी के घर का विसर्जन करना है। जिन चावलों से हमने इस चिड़ाचिड़ी के घर को बनाया है इन चावलों को आप पक्षियों को डालना या
फिर आप गाय को भी खिला सकते हैं। फूल दीपक आदि का आप विसर्जन कर दें। चिड़ा चिड़ी का भी आपको विसर्जन करना है, साथ ही हमने जो दक्षिणा रखी है ये दक्षिणा आप किसी को दान में दे दें। तो फ्रेंड आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।